चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के गांव की यात्रा के साथ साथ युद्ध जा लेती हूँ और आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ और आगे के कार्य की जो सेलिब्रेशन है 1970 वॉर के बाद, तो हम यहाँ पे आए हैं, हमें काफ़ी खुशी मिली है। तो हम आज बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमने सेलिब्रेशन किया जब 1971 पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के वो वार हुआ था, 93,000 प्रिजनर्स उसमें थे। तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज हमने यहाँ पे वो हमें बहुत खुशी मिल रही है यहाँ पे जो आज दिन 1970 वॉर की सेलिब्रेशन हो रही है, गोल्डन जुबली हो रही है, कमांडर 2 सेक्टर आरआर के साथ। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम यहाँ पे अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं इनके एनसीसी में भी हमें ये सिखाया जाता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, सोशल वेलफेयर हम कैसे कर सकते हैं। मुझे ये बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज शहीदों का दिन मनाया गया है, क्योंकि जो मेरा पति है उसने भी देश के लिए शहादत दी, उसने अपने देश के लिए अपना जान कुर्बान किया और अशोक चक्र से उसको नवाजा गया कि इसलिए मुझे हर जगह जाने से खुशी मिलती है। जहां हमें वीर नारियों को मिला, हम इसी दिन सब वीर नारियाँ मिलते हैं, हम आपस में अपना दुख बांटते हैं, लेकिन हमें आज सबसे ज़्यादा बहुत खुशी हो रही है कि हमें इतना सम्मान मिला है यहाँ कि हमारे शहीदों के लिए इतना सम्मान मिलता है हर आर्मी डिपार्टमेंट में। स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है 2021 में। आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस पिछले साल 16 दिसंबर 2020 को 4 विक्ट्री फ्रेम्स की शुरुआत की थी, जो नेशनल वॉर मेमोरियल है नई दिल्ली में, उससे ये चारों मशालें 4 अलग अलग दिशाओं में गई थी हमारे देश के। और हमारी बहुत खुशनसीबी है कि आज के दिन उसमें से एक मशाल यहाँ पर कश्मीर में दाखिल हुई है। इसका मकसद ये है कि ये जितनी भी फौजी टुकड़ियाँ हैं, फॉर्मेशंस हैं, वहाँ पर जाएगी। जिन जिन लोगों ने 1971 में के युद्ध में हिस्सा लिया था, उनको हम इनवाइट कर रहे हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। जहाँ जहाँ पर
इस युद्ध में लोगों ने वीरगति प्राप्त की थी और उनको गैलेंट्री अवार्ड मिले थे, खास तौर पे उनके गांव में जारी है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं कश्मीर में, उनको हमने आज इनवाइट किया है इस फंक्शन में। हमारी बहुत खुशनसीबी है कि बड़ी मात्रा में जो हमारी वीर नारियां, बहनें हैं, माताएं हैं, वो आई हैं, और जो एक्स सर्विसमैन जो कि 1971 में जिन्होंने हिस्सा लिया था, वो हमारे साथ शरीक हुए हैं। आपने देखा है कितने जोश खरोश से जो बच्चे हैं यहाँ के, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। और एक छोटा सा हमारी तरफ से एक कोशिश थी, ये जो फ्लेम आई है इसके ज़रिए हम इनसे कनेक्ट हो, आपस में मिलें, इनकी दुख तकलीफ़ों का पहचाने। और अभी ये पहला दिन है कश्मीर में आई है, अगले आई थिंक 2 हफ्ते तकरीबन ये कश्मीर में रहेगी और अलग अलग प्रांतों में जाएगी, श्रीनगर जाएगी, बारामूला जाएगी, कुपवाड़ा जाएगी, बांदीपुर जाएगी, और उसके बाद फिर अपनी सफ़र पूरा करते हुए कारगिल की तरफ भी जाएगी।